अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चने के सालन बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी। उसके लिए मुझे यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उसमें सबसे पहले 3 पाव चने, 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 8 हरी मिर्च, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट, फुल टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 मग कुकिंग ऑयल और 1 जग पानी। प्रेशर कुकर में मैं चने का सालन बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैं अनियन ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने के लिए लो फ्लेम पे रख लेंगे। लो फ्लेम पे मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। चनों में मैं ये बेकिंग सोडा डालूंगी और अच्छे से इसे मिक्स करूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे धो लेंगे। प्याज फ्राई होने के लिए मैंने रखी हुई है, इसका जब मैं हिलाते रहें ध्यान रखें इसका कि ये जल ना जाए। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। टमाटर, प्याज, सूरत में नमक, इसे हल्दी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और 1 कप पानी। इसके अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड किया ताकि मैं इसका मसाला पकने के लिए इसे लो फ्लेम पे रख सकूं। पूरे 15 मिनट बाद ये देखिए मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर चने ऐड कर दूंगी। चनों पे मैंने बेकिंग सोडा लगाया था, बेकिंग सोडा लगाने के बाद इसे मैंने धो लिया है। अब मैंने इसे मसाले में ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से भून के फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और फिर हम इसका प्रेशर लगा देंगे। इसे अच्छे से भून रही हूँ मैं और साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून गर्म मसाला ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से भून लूंगी। चने मैंने अच्छे से भून लिए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। एक जग पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूंगी अब और इसकी सीटी उतार दूंगी। पूरे 12 मिनट के बाद मैंने फ्लेम बंद कर दी थी। अब मैं इसका ढक्कन उतारूंगी। ये देखें चने बनके तैयार हैं। मैं इनके ऊपर कसूरी मेथी डाल दूंगी, ये खुशबू के लिए होती है, और फ़ौरन इसे ढक्कन लगा के रख दूंगी। चने के सालन बनके तैयार है। आप इसे ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।